मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि आज से मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव मेरे पापा नहीं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं उनसे, उनके नाम से और मेरी रगों में बहते उनके खून से सबसे नफरत करता हूँ। सर सर, आप कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? काच, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। तुम यहां क्यों आए? क्या हक है तुम्हें इस ऑफिस में आने का? मुझे इस ऑफिस में आने का पूरा हक है, और तुम मेरी नहीं, अपने हक की चिंता करो। और हां, एक और बात, आज के बाद मुझसे दोबारा ऐसे सवाल मत करना। कृष्णा, करण, मुझे आपसे कुछ जरूरी पर्सनल बातें करनी है। ठीक है, मेरे कैबिन में। एक मिनट, मैंने कहा पर्सनल बातें करनी है, इसका मतलब मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। तुम दोनों यहीं रुको, चलो। वेलकम क्रिश, आ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतने हक से यहाँ पर आए। तुमने मुझे इस ऑफिस को अपना तो समझा। इस वक्त मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। मुद्दे की बात करें, मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, उस हिसाब से इस ऑफिस में वही पोस्ट और वही कैबिन मुझे मिलना चाहिए जो अरव को मिला है, क्योंकि उस पर अरव का नहीं, मेरा हक है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे ऐसा करने से अरव को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि इतने सालों बाद मिले बेटे को मैं फिर से खोना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूं कि आरव मेरे इस फैसले को समझ पाए। क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, कहीं मैंने ज्यादा हक तो नहीं जता दिया? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही सोचकर खुश हूं कि ऑफिस ही सही, कम से कम तुमने अपना हक जताना शुरू तो कर दिया। हाँ, वैसे भी ये ऑफिस तुम्हारी है। हाँ बेटा। बेटा नहीं, कृष्णा कही। अब मुझे मेरा कैबिन अलॉट कीजिए। तुम चलो, मैं आता हूं। तुम्हारे मुंह से बार बार मिस्टर श्रीवास्तव सुनना मेरे लिए हजार मौत से कम नहीं, फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है कृष्णा। देखना, मेरा प्यार और अपनापन तुम्हारी इस कड़वाहट को खत्म कर देगा, और तुम खुद
मुझे उस रिश्ते से पुकारोगे जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। कृष्णा हमारा ऑफिस आज से ज्वाइन कर रहा है और मैं इसके हिसाब से कुछ चीजों को बदलना चाहता हूँ। तो आप क्या करने वाले हैं डैड? वेल, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो तुम अब तक संभाल रहे थे वो आज से कृष्णा संभालेगा। मैं तुम्हें कुछ नए असाइनमेंट्स दूंगा और ये कैबिन आज से कृष्णा का होगा। तुम्हारे लिए मैं एक नई जगह का इंतजाम करूंगा। कम विद मी। Good luck. ये सब क्या हो रहा है? तुमने सुना नहीं मिस्टर श्रीवास्तव ने तुमसे क्या कहा? ये केबिन मेरा है। अगर ये केबिन मेरा है तो इसका मतलब ये कुर्सी भी मेरी है। मतलब अरे क्या हुआ, आपका मूड इतना खराब क्यों है? हम तो आज बहुत खुश थे कृष्णा वापस आ गए हैं। चलो एटलीस्ट एक मौका तो मिलेगा आप दोनों की दोस्ती कराने का। लेकिन आपका पारा तो सातवें आसमान पर है। अरे ये सब कुछ बाद में होता रहेगा, इस वक्त हम दोनों जरा बिजी। प्लीज एक्सक्यूज अस। आओ। ये आरफ का गुस्सा भी ना। हेलो, वेलकम बैक। हम तो बहुत खुश हो गए हैं कि आप वापस आ गए हैं। कल तो बड़े मायूस होकर आप कह रहे थे कि यहाँ कोई सच सुनना नहीं चाहता, लेकिन देखिए क्या हुआ, आपकी सच्चाई की जीत हुई। अक्षय सर ने सच्चाई का साथ दिया और आपके साथ इंसाफ किया, है ना? इंसाफ? जो इंसान मेरी मॉम के साथ जिंदगी भर ना इंसाफी करता रहा वो मेरे साथ इंसाफ क्या करेगा? हेलो, क्या हुआ, आप बहुत बदले बदले से लग रहे हैं, क्यों ना इसी बात पे एक कॉफी हो जाए? नहीं, आप पैसे वालों की कॉफी हम जैसे मामूली लोगों के लिए बहुत महंगी पड़ती है। आई कांट अफोर्ड इट। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अमीर मुझे रास नहीं आते, इसलिए मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। अरे वाह, अब ये किस खुशी में? मुझे पता है ना, आप जब भी अपने ये फेवरेट फूल देखेंगी आप खुश हो जाएंगी। वैसे आज तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है, क्या बात? मॉम, ये चमक एक आने वाली जीत की है, एक जंग छेड़ी है मैंने। मतलब? आज मैं अपने पुराने ऑफिस गया था, वहीं जहां पे मैं एक मामूली एम्प्लॉय था। क्या? मैंने मना किया था ना कृष्णा, क्यों गए तुम वहां पर?
मैं वहां पर मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव को नीचा दिखाने गया था। मॉम, ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं। बहुत तरसाया उन्होंने हमें, लेकिन अब उनकी बारी है। वो भी तरसेंगे, ठीक उसी तरह तरसेंगे जैसे मैं तरसा। कृष्णा, कृष्णा क्या हो गया तुम्हें? बेटा ये गुस्सा, ये नफरत, ये कड़वाहट, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। माफ कर दो उन्हें। नहीं मॉम, उन्होंने गलती नहीं, उन्होंने गुनाह किया है, और गुनाह की सिर्फ सजा होती है, और उन्हें ये सजा मैं दूंगा। कृष्णा, ये क्या? वो क्या हो गया कृष्णा को? इतनी नफरत, इतना गुस्सा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ममता, हिम्मत से काम लो। ये जो तुम उसका नफरत समझता है, ये उसका नफरत और गुस्सा नहीं, नाराजगी है। इतना साल से वो बेचारा लड़का अपने दिल में अपने पिता को देखने का स्वप्न, एक इच्छा दबा कर रखा था। आज वही इच्छा उसको कष्ट देता है, परेशान करता है। एक बार ये तूफान को चला जाने दो, उसका सब कष्ट, नाराजगी, कड़वाहट सब शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद होगा हमारा कृष्ण का एक नूतन जन्म, एक नूतन रिश्ता के साथ। तुम्हें देखना ममता। डैड, आज आपने जो कुछ भी किया, क्या वो करना जरूरी था? हाँ, जरूरी था। लेकिन क्यों डैड, क्यों क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आज उसने ऑफिस में जगह मांगी, कल घर में मांगेगा, और एक दिन आपकी जिंदगी में, तो क्या तब भी आप उसे मेरी जगह दे देंगे? नहीं आरफ, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि जब वो नहीं था तब भी मेरी जिंदगी में उसके लिए जगह थी। और आरफ, वो भी तुम्हारी तरह मेरा बेटा है, इसलिए उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। अपना सब कुछ खोकर डैड? आरफ, तुम्हें कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। उसके लौटने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे नहीं रहे। इनफैक्ट आज भी तुम मेरे ज्यादा करीब आ रहे, और वो मुझसे उतना ही दूर है जितना पहले था, और उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। मेरी गलतियों की वजह से उसे बहुत भुगतना पड़ा है, बहुत बेइज्जती हुई उसकी। अब मैं दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिससे वो आज तक महरूम रहा। ओ कम ऑन डैड, आप समझ नहीं रहे हैं, वो यहाँ पर खुशियाँ हासिल करने नहीं बल्कि आपसे बदला लेने आया है। और फिर डैड, मेरी जगह उसे देने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। क्यों पूछना था? अरे भाई है तुम्हारा वो भाई, कि अपने भाई के लिए इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तुम? मैं किसी अजनबी को अपनी जगह नहीं लेने दे सकता। आरफ, इस वक्त तुम गुस्से में परेशान हो, शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपने दोनों बेटों की भलाई के लिए कर रहा हूं। डैड, मेरी बात तो सुनो। चले गए ना? नहीं सुनेंगे बाबू, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड अपने बेटे के पैर में अंधे ही नहीं, बहरे भी हो चुके हैं। तो मैं क्या करूं चाचू, कैसे उन्हें समझाऊं कि वो गलत है, कृष्णा उनसे बदला लेने आया है? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है आरव, तुम समझ नहीं पाते हो कि गलत मौके पर अगर तुम सही बात करोगे तो लोगों को वो गलत ही लगेगी, लेकिन अगर सही मौके पर तुम गलत बात भी कहोगे तो लोग उसे सही समझेंगे। इसलिए सही मौके पर सही बात करना सीखो। लेकिन कैसे चाचू? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना,
मैं समझाता हूं। क्या बात है भाई, आज अपना गुस्सा फोन पर क्यों उतारा जा रहा है? हाँ नहीं तो हम गुस्सा थोड़ी ना है, बस थोड़ा थक गए हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम बड़ी हो गई हो। It's all right. मम्मा, मम्मा, I'm sorry. हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इस बार प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। अब बताओ मेरी प्रिंसेस इतनी नाराज क्यों है? कृष्णा की वजह से, पता नहीं क्यों हमेशा हमें ताने मारते रहते हैं। अब हम अमीर हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे सब अमीर लोग घमंडी, अकड़ू, बदतमीज हो, ये जरूरी थोड़ी ना है। You're absolutely right. और मुझे तो पहले से पता था ये कृष्णा ऐसा ही हो। I feel he's got an inferiority complex. इसीलिए तो बेटा मैं हमेशा तुमसे कहती थी ऐसे लोगों से दूर रहा करो। But I'm glad. At least तुम्हें अब अच्छे और बुरे में फर्क तो नजर आया? नहीं मम्मा, आप भी वही गलती कर रही हैं जो कृष्णा ने की है। जैसे सब अमीर लोग घमंडी अकड़ू नहीं होते, वैसे हर मिडिल क्लास इंसान बुरा नहीं होता मम्मा। All right, whatever. वक्त के साथ साथ तुम्हें अच्छे और बुरे में जरूर फर्क नजर आएगा, लेकिन अभी के लिए लेट्स गो हैव डिनर। मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी आओ। हम पा के साथ खाना खा लेंगे। पा आ गए क्या? Well, अब तक तो तुम्हारे पा आए नहीं है। उनका कोई फोन आया, कब आ रहे कुछ पता है? बेटा मुझे तो नहीं लगता वो जल्दी घर आएंगे, सो लेट्स गो हैव डिनर। या जल्दी आओ। कृष्णा अक्षय के साथ ठीक नहीं कर रहा है, उसे अपने पापा के साथ इस तरह बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। मुझे क्रिश से कोई शिकायत नहीं है, मुझसे नाराज होना उसका हक है, लेकिन वो मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहा है? आखिर ममता ने उसे ऐसा क्या बताया है मेरे बारे में? मैंने तो कभी पहले अक्षय का नाम तक नहीं लिया कृष्णा के सामने, फिर वो अक्षय से इतना नाराज क्यों है? पता नहीं किस बात का बदला लेना चाहता है वो अक्षय से। अक्षय और मेरे बीच जो मनमुटाव था, मैंने कृष्णा को हमेशा उससे दूर रखा, क्योंकि वो तो हमारा आपसी मामला था। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि सच तो यही है कि मैंने ममता को हमेशा दिल की गहराइयों से चाहा है। कृष्णा हमारे प्यार की निशानी है, नफरत की नहीं। हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन अक्षय और मैंने एक दूसरे से हमेशा बहुत प्यार किया है। ममता, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार किया, फिर हमारे सच्चे प्यार की निशानी हमारा बेटा क्रिश मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? आखिर क्या कसूर है मेरा? कसूर चाहे जिसका भी हो, लेकिन कृष्णा को अक्षय के साथ इस तरह बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। अक्षय के साथ ज्यादती करने से मैं रुकूंगी उसे। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुको, कितने बार कहा है जा रहा हूँ, नहीं कहते, कहो आ रहा हूँ। सॉरी मॉम। हमेशा सॉरी बोलते हो, हमेशा वही बोलते हो। आरती लो। जीते रहो, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। कृष्णा एक बात कहूं, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं, माफ कर दो उन्हें। मॉम, उनके साथ ज्यादा अपनापन रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बदले में हमको मायूसी ही मिलती है। मैं देखती हूँ।
जी कहिए। मिस्टर कृष्णा यहीं रहते हैं जी? मैं हूं कृष्णा। हमारे पास आपके लिए अरेस्ट वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट।